Hello students, welcome to my channel. This is Doctor Vinita Negi making math learning easy and simple for you. Double integration for Cartesian curve हम डिस्कस कर चुके हैं एंड आज हम पोलर कर्व्स के लिए डबल इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो सीखते हैं. सपोज आपके पास x एक्सेस है, y एक्सेस है, x y के अकॉर्डिंग आपका फंक्शन डिनोट हो रहा है, देन वी आर यूजिंग द कार्टेशियन फॉर्म. So, उसके अकॉर्डिंग हमने इंटीग्रेशन को x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हम बात करते हैं, आपका फंक्शन कार्टेशियन फॉर्म में नहीं है, यहां पर r एंड थीटा फॉर्म में है फंक्शन आपका, मींस दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म. ठीक है ना, मींस ये मेरा पॉइंट है एंड अकॉर्डिंग टू x एक्सिस ये थीटा एंगल ड्रॉ करता है एंड दिस रेडियस इज r. तो जहां कार्टेशियन फॉर्म में आपके पास लेंथ है, ब्रेड्थ है, आपके पास x है, y है, dx है, dy है, वही पोलर कर्व्स के अकॉर्डिंग आपके पास जो दो डायमेंशन है, एक है थीटा, एक है r. अब आपके पास जो डबल इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है किसी कर्व का, वो पोलर कर्व है. r थीटा में आपके पास फंक्शन गिवन है. सो यहाँ आपका एंगल थीटा वेरी कर रहा है, सपोज फ्रॉम अल्फा टू बीटा, एंड आर वेरी कर रहा है बिगिनिंग मींस फ्रॉम जीरो टू सम एफ थीटा. हो सकता है आपके पास कोई गिवन कर्व हो, आपके पास कार्डियड हो, आपके पास कोई सा भी गिवन फंक्शन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ थीटा. सो आर आपका वेरी कर रहा है फ्रॉम जीरो टू एफ थीटा, एंड टू फाइंड आउट दिस डबल इंटीग्रेशन यू आर यूजिंग आर डी थीटा डी आर. ओके, जैसे हम कार्टेशियन फॉर्म में dx dy लेते हैं, दिस dx dy लेंथ है, ब्रेड्थ है, सो दिस r d थीटा dr इज इक्वल टू एरिया. ओके, सो डबल इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं पोलर फॉर्म्स में. ठीक है ना, सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, हमें वैल्यू चाहिए फ्रॉम जीरो टू पाई एंड जीरो टू a थीटा. यहाँ पे f थीटा क्या है, a थीटा. वैल्यू किसकी निकालनी है, डबल इंटीग्रेशन r क्यूब d थीटा dr. आपको थीटा के रिस्पेक्ट जो इंटीग्रेशन वैल्यू दे रखी है, लोअर लिमिट अपर लिमिट जीरो टू पाई दे रखी है, एंड आर के अकॉर्डिंग क्या दे रखी है, फ्रॉम जीरो टू ए थीटा. ओके, सो सॉल्व कैसे करेंगे, आपको गिवन है, सपोज मैं इसे आई से डिनोट करती हूँ, जीरो टू पाई, जीरो टू ए थीटा, आर क्यूब डी थीटा डी आर. ओके, सो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि आपका जो आर वैल्यू है, अपर वैल्यू, वो थीटा के टर्म्स में है. इट मीन्स आपके पास जो आर फंक्शन है, पहले आप उस आर फंक्शन को dr के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करेंगे, आर के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, एंड देन आपके पास जो टोटल वैल्यू मिलेगी इन टर्म्स ऑफ थीटा मिलेगी या फिर कांस्टेंट मिलेगी, जैसे कि हम x एंड y में भी करते थे. ओके, सो बिकॉज आपके पास फंक्शन इन थीटा गिवन है, सो फर्स्ट यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू r हियर. ओके, सो d थीटा को मैं बाहर ले लेती हूँ, r क्यूब को मैं इंटीग्रेट करती है, सो आर पावर 4/4, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट ए थीटा, सो दिस इज 1/4 जीरो टू पाई ए 4 थीटा 4 डी थीटा. ओके, नाउ ए 4 आपका कांस्टेंट है, ए 4/4 आपका बाहर आ गया, एंड थीटा पावर 4 को हम इंटीग्रेट करेंगे, सो हमें वैल्यू मिल गई थीटा पावर 5/5 जीरो टू पाई. आपके पास लिमिट्स हैं, आपने वैल्यूज पुट की एंड सॉल्व करके आपको ये डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल गई ए टू द पावर 4 पाई टू द पावर 5/20. सो जैसे हम dx dy में x y फॉर्म में डबल इंटीग्रेशन देख रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही चलना है पोलर फॉर्म में. जस्ट ध्यान रखिए, आपके पास यहाँ पे r और थीटा की वैल्यूज, लोअर एंड अपर वैल्यूज गिवन होंगी, या आपके पास आपको डिनोट करनी है उसको फाइंड आउट करके. ओके, देन क्या करेंगे, आपके पास फंक्शन जो r है इन टर्म्स ऑफ थीटा गिवन है, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट आप r को इंटीग्रेट करेंगे, कंप्लीटली वैल्यू या तो थीटा में मिलेगी या कांस्टेंट वैल्यू होगी, देन जो रिजल्ट मिला उसको आप थीटा के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करते हुए सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. ओके, चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको वैल्यू चाहिए डबल इंटीग्रेशन a r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा dr, एंड इस डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें चाहिए ओवर द एरिया ऑफ कार्डियोइड. आपके पास कार्डियोइड, आपके पास कर्व गिवन है, एंड अबव द इनिशियल लाइन आपको चाहिए. सो कर्व ट्रेसिंग में आपने देखा है जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर नहीं देखा है सो मेरी वीडियो इसमें बनी है, आप उसे जरूर देख लीजिए, कर्व ट्रेसिंग कैसे कर्व ट्रेस करते हैं. सो यहाँ पे आपके पास एक आपका कार्डियोइड है इस तरीके से, एंड ये आपका जो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमिट्री होती है, बिकॉज आपको यहाँ पे जो एरिया फाइंड आउट करना है इस डबल इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन अबव द इनिशियल लाइन। सो हमें केवल ऊपर वाला साइड चाहिए, ठीक है ना, केवल अपसाइड की बात कर रहे हैं। अगर हमें कंप्लीट रीजन चाहिए होता है सो वी विल फाइंड आउट दिस डबल, ये वाला फाइंड आउट करेंगे एंड इसका डबल हो जाएगा। अब ये आगे भी ऐसा क्वेश्चन करेंगे। सो बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है इनिशियल लाइन के अबव चाहिए, सो ओनली एक्स के अबव मीन्स केवल हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं। अब इस पार्ट का हमें एरिया चाहिए तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिप लेके चलते हैं, ठीक है ना, जैसे कि हमने कार्टेशियन फॉर्म में भी यूज किया। यहाँ पे जो स्ट्रिप है, बिकॉज आपको दिख रहा है अभी ये पी पॉइंट है, ये थीटा एंगल यहाँ पे दे रखा है और ये आर रेडियस वेक्टर है। सपोज मैं एक स्ट्रिप लेके चलती हूँ, डेल्टा थीटा एंगल का है, और इस स्ट्रिप के अकॉर्डिंग हम इस कंप्लीट रीजन का अबाउट द इनिशियल लाइन हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। सो सबसे पहली चीज, आपका आर बिगिन हो रहा है जीरो से टिल एफ थीटा, मींस यू हैव गिवन द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ कार्डियोइड। ओके, नाउ थीटा कहां से कहां वेरी कर रहा है, दैट इज बिगिनिंग फ्रॉम जीरो टू पाई, केवल हम अपसाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जीरो टू पाई वेरी कर रहा है ना, ठीक है ना। सो थीटा की लिमिट्स मिल गई, आर की लिमिट्स मिल गई, सो सीधे सीधे अब हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। सो ये आ गया आपका डबल इंटीग्रेशन ए आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी आर, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपका थीटा वेरी कर रहा है फ्रॉम जीरो टू पाई, आपका आर वेरी कर रहा है फ्रॉम जीरो टू ए वन प्लस कॉस थीटा, दिस इज योर एफ थीटा हियर, और आपके पास गिवन फंक्शन है आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी आर। ओके, ये आपके पास गिवन है, आपने कुछ नहीं किया, आपके पास जो क्वेश्चन था उसी एरिया को आप फाइंड आउट कर रहे हैं सिंपली। सो सबसे पहली चीज हमें क्या करना है, आर स्क्वायर को देखना, क्योंकि आपके पास आर की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ थीटा गिवन है। सो हम जीरो टू पाई साइन थीटा को अलग रख लेते हैं एंड आर स्क्वायर को आर के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करेंगे। सो मिल के आ गया आर पावर 3/3, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट ए 1 प्लस कॉस थीटा, वैल्यूज पुट की और जो कॉमन वैल्यूज हमने ले ली बाहर, दैट इज कांस्टेंट ए क्यू बाई 3। अब बचा के आपके पास 0 टू पाई इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस थीटा होल क्यूब साइन थीटा डी थीटा। तो अब देखिए आपके पास यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा है और साइन थीटा भी, तो जब हमारे पास थीटा के अकॉर्डिंग है तो हमें एक बात पता है दैट कॉस टू थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस टू थीटा वी कैन रिलेट। सो यहाँ पे हम 1 प्लस कॉस टू थीटा की वैल्यू पुट करते हैं एंड दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, बिकॉज बाहर से पावर है 3, सो वो हो जाएगा 2 कॉस पावर 6 थीटा बाई 2, बिकॉज हम 2 थीटा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास थीटा कंप्लीट है, सो थीटा बाई 2 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर है एंड उसका पावर 3 है, सो कॉस 6 थीटा बाई 2, ये हुआ। नाउ साइन थीटा को भी हम ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि अब जब हमारा कॉस थीटा बाई 2 में कन्वर्ट हो रहा है तो साइन थीटा को भी करना पड़ेगा। सो साइन 2 थीटा फॉर्मूला से दैट इज 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2 कॉस 6 में एड होके कॉस 7 थीटा बाई 2 मिल गया। Now this whole value of 2, that is 16, a cube by 3, 0 to pi, cos 7 theta by 2 and sin theta by 2 d theta. Now that is easy. सबसे पहले हम क्या करिए, थीटा बाई 2 को फाई ले लिया हमने, थीटा बाई 2 को फाई ले लिया तो आपकी लिमिट्स भी चेंज होगी। व्हेनेवर आप थीटा को चेंज कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, तो आपकी लिमिट्स भी डेफिनेटली चेंज होगी, बाकी सारी चीजें सेम है। 0 टू पाई बाई 2 हो गया, पाई कब है जब आपके पास थीटा बाई 2 है, वेन थीटा बाई 2 को हमने फाई ले लिया सो दैट पाई इज कन्वर्टेड एज फाई बाई 2। तो अब आपके पास क्या आ गया, कॉस 7 फाई साइन फाई एंड डी थीटा को भी तो कन्वर्ट करेंगे, यहां से जब आप करेंगे सो डी थीटा इज इक्वल टू 2 डी फाई आई कैन से। सो डी थीटा भी कन्वर्ट हो गया डी फाई में, सो दैट इज इक्वलेंट टू 2 साइन फाई कॉस 7 फाई डी फाई। अब आप कंप्लीट आपके पास इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ फाई मिल गई, डी फाई मिल गया, लोअर लिमिट अपर लिमिट भी फाई के अकॉर्डिंग आ गई। अब आप क्या करेंगे, सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ले लीजिए, 32/3 ए क्यूब, ये बाहर आ गया। अब आपके पास अंदर क्या बचा, कॉस 7 फाई है, साइन फाई है एंड डी फाई है, फाई के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करेंगे। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉस फाई को टी अज्यूम करके एंड साइन फाई डी फाई वो डी टी में कन्वर्ट होके आपको मिल जाएगा कॉस 8 फाई अपॉन 8। ओके, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई बाई 2, वी नो दैट कॉस 90 0 हो जाता है, सो जो लोअर लिमिट है 0 के अकॉर्डिंग वी आर गेटिंग पॉजिटिव 1/8। सो योर आंसर विल बी 32 से 8 सिंप्लीफाई हो जाएगा 4/3 ए क्यूब। ओके, सो दिस वे आपके पास जो डबल इंटीग्रेशन गिवन है इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आर के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करेंगे, कंप्लीट वैल्यू थीटा में कन्वर्ट करके लास्ट में थीटा के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस कर्व R is equal to a 1 plus cos theta, that is cardioid, by double integration. So, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये जो डबल इंटीग्रेशन है ये हमें हेल्प करता है टू फाइंड आउट द एरिया और फाइंड आउट द रीजन फॉर टू गिवन कर्व्स। ठीक है, एरिया से रिलेटेड अभी आगे हम वीडियो भी बनाएंगे, केवल हम उसमें एरिया ही फाइंड आउट करेंगे। ओके आपके पास कोई कर्व गिवन है एंड आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें एरिया चाहिए फॉर दिस कर्व, पूरा का पूरा एरिया चाहिए। ओके हमें दिख रहा है यहाँ पर भी एक्स के अकॉर्डिंग सिमेट्री है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्री मींस जो डायग्राम आपको एक्स एक्सिस के अपसाइड मिल रहा है वही बिल्कुल सेम टू सेम डाउन साइड भी मिल रहा है। अगर मैं ऊपर का एरिया निकाल लूं तो नीचे वाला भी उतना ही होगा। सो वी कैन से कि अगर मुझे ये टोटल एरिया निकालना है पूरे कार्डियोइड का, पूरा कार्डियोइड का एरिया निकालना है, सो मैं उसको सीधे सीधे डबल कर देती हूँ, इतना निकालती हूँ उसका डबल कर देती हूँ, ट्वाइस कर देती हूँ। सो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया है दैट इज ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ दिस ओ ए बी ओ, वी कैन से ये वाला एरिया जो निकाला उसी का डबल कर देंगे तो टोटल एरिया आ गया, ठीक है ना। नाउ टू एज इट इज, हमारे पास आर और थीटा कैसे वेरी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो थीटा आपको दिख रहा है 0 to pi, यहां से बिगिन होके यहाँ पे आ गया, तो थीटा आपका 0 to pi वेरी कर रहा है। नाउ आर 0 to अकॉर्डिंग टू कार्डियड आपके पास एफ थीटा गिवन है, ए 1 plus cos theta, एंड बिकॉज हमें एरिया चाहिए इसका, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट अगर आपके पास पोलर फॉर्म में कोई कर्व गिवन है उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। सो जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट आर डी थीटा डी आर। ओके So simply you will put r d theta dr, सबसे पहले हम क्या करेंगे r के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करेंगे। So twice 0 to pi as it is है, r को इंटीग्रेट किया, so we are getting r square by 2, lower limit upper limit, values put की हमने, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 आपका कैंसिल हो गया यहाँ से, 0 to pi a square 1 plus cos theta whole square d theta। ओके अब ए स्क्वायर में बाहर ले लेती हूँ, 0 to pi 1 plus cos 2 theta के अकॉर्डिंग सेम जैसे कि हमने पीछे भी किया, 2 cos square theta by 2 होल स्क्वायर डी थीटा, दिस इज इक्वल टू 4a square 0 to pi cos 4 theta by 2 डी थीटा, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फिर से वही थीटा by 2 है, तो हम थीटा by 2 को 5 कर देते हैं, डी थीटा को d5 में कन्वर्ट कर देते हैं एंड लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज कर लेते हैं। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है दैट इज इक्वल टू 8a square, बिकॉज आपके पास जो डी थीटा कन्वर्ट होगा d5 में वो ट्वाइस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 8a square 0 to pi by 2 एंड cos 4 phi d5। अब पीछे क्वेश्चन में क्या था आपके पास, केवल यही समझना है जब हम पोलर फॉर्म में इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। जब हम पीछे इंटीग्रेट कर रहे थे आपके पास कॉस टर्म भी था, आपके पास साइन टर्म भी था, सो आपने कॉस को कुछ अज्यूम करके साइन d5 में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज वन थिंग। सेकेंडली आप क्या कर सकते हैं, आपने बीटा फंक्शन पढ़ा है, आपने गामा फंक्शन पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मेरी वीडियोस जरूर देख लेना उसमें रिलेटेड, कि अगर आपके पास लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट 0 to pi by 2 इंटीग्रेशन है एंड साइन एंड थीटा कॉस एंड थीटा डी थीटा ये वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है, सो सिंपली जस्ट आपको m और n वैल्यूज चाहिए, दैट इज इक्वल टू गामा m + 1/2 गामा n + 1/2 एंड डिवाइड बाय 2 गामा m + n + 2/2। केवल आपको m और n वैल्यूज चाहिए यहाँ पर। सो मैं कह सकती हूँ यहाँ पर cos 4 phi है, साइन 0 phi में कह सकती हूँ टू फाइंड द सोल्यूशन। सो 8a square एज इट इज है, 4 का क्या हो जाएगा 4 + 1 मीन्स 5/2 एंड ये 0 है, सो 0 + 1 गामा 1/2। इन द डिनोमिनेटर ट्वाइस m + n, 4 + 0 + 2 6 हो जाएगा एंड 6 divided by 2 3। अब इसको सिंप्लीफाई करने की प्रोसेस शायद आपको पता हो, नहीं है तो एक बार देख लीजिए। आपके पास जो गामा फंक्शन होता है जैसे 5/2 है, सो उससे 1 लेसर मीन्स 3/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा एंड √pi आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नाउ फॉर गामा 1/2 उससे लेसर तो कुछ है नहीं, सो फॉर गामा 1/2 देयर इज ओनली √pi, सो ये √pi कन्वर्ट हो जाता है। सो आपके पास अगर गामा 7/2 है तो इसे क्या लिखेंगे आप, इससे एक लेसर 5/2, 3/2, 1/2, √π। ठीक है, नीचे देखिए 2 है इंटू गामा 3। जब आपके पास एक कंप्लीट नंबर है, यहाँ हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, कंप्लीट नंबर में 1 लेसर वैल्यू विद फैक्टोरियल साइन, सो बिकॉज गामा 3 है सो फैक्टोरियल 2 है, बिकॉज गामा 5 है सो फैक्टोरियल 4 आ जाएगा आपके पास। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सो इस तरीके से सिंप्लीफाई किया सारी कैलकुलेशन, सो वी आर गेटिंग द एरिया 3/2 πa²। ओके, सो पोलर फॉर्म भी बिल्कुल वैसा ही है कार्टेशियन फॉर्म की तरह, जस्ट आपको आर डी थीटा डी आर चाहिए, आपको थीटा के लिमिट्स चाहिए, आपको आर के लिमिट्स चाहिए। पहले आप आर के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करेंगे, कंप्लीट वैल्यू को थीटा में कन्वर्ट करने के बाद लास्ट में आप थीटा के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करके फाइनल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास थीटा में वैल्यूज जो मिल रही हैं, आपके पास कॉस थीटा है, आपके पास साइन थीटा है, समवेयर आप उसको अज्यूम करके भी, लेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, समवेयर आपको ये बीटा गामा फंक्शन यूज कर रहे हैं। सो वो सारी थ्योरीज, वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारे फॉर्मूलाज भी आपको पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज बीटा फंक्शन, व्हाट इज गामा फंक्शन। इफ देयर इज एनी डाउट, सो आप मेरी वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। ओके, सो जैसे हम कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई के अकॉर्डिंग डीएक्स डीवाई के अकॉर्डिंग डबल इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं, एरिया फाइंड आउट करते हैं, वैसे ही पोलर फॉर्म के अकॉर्डिंग आर थीटा फॉर्म में हम आर डी थीटा डी आर के अकॉर्डिंग डबल इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बाउंडेड एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं और किसी पर्टिकुलर कर्व के लिए एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट कर्व। बस आपको क्या चाहिए, लिमिट्स वैल्यू चाहिए। ओके, so this is the all process to find out the double integration of any polar curve। Next video में हम देखेंगे area of bounded region, कैसे हम दो curve के लिए जो bounded region है उसका area find out करेंगे। तो वहां पे हम mix question लेंगे, कुछ polar form होंगे, कुछ cartesian form होंगे। मिलते हैं next video में। Okay, all the best, thank you।